धर्म का फल क्या है? सुखस्य मूलम धर्म। धर्म का फल होता है सुख। यदि आप अपने जीवन में सुखी हैं, तो निश्चित समझना आपने कोई पुण्य किया है, उस पुण्य का उदय आज आपके सामने है, इसलिए आप प्रसन्न है, सुखी हैं। और पाप का फल होता है दुख। यदि आप अपने जीवन में दुखी हैं, तो यह भी किसी कर्म का ही परिणाम है। पाप का फल दुख और धर्म का फल सुख। ये सिद्धांत है, सिद्धांत को पकड़ के रखना जीवन। लेकिन आज धर्म के नाम पर जो समाज में जो चीजें बढ़ाई जा रही है, तो इन चीजों को बढ़ने से ये सारी चीजें बढ़ गई, तो फिर व्यक्ति के जीवन में सुख आना चाहिए नहीं आना चाहिए, बोलो आना चाहिए नहीं आना चाहिए। आजकल हम लोगों ने क्या मान लिया, मंदिर में जाना धर्म समझ लिया। अभी गंगा सागर में डुबकी लगाने लोग जाएंगे उसको धर्म समझेंगे, श्राद्ध करना धर्म समझ लिया, और भी बहुत सारी चीजें धर्म के नाम पर चल रही है, कीर्तन करना धर्म समझ लिया। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ये बताओ आज के समय में ज्यादा मंदिर है या पुराने समय में ज्यादा मंदिर थे? आज के समय में ज्यादा। पहले लोग तीर्थाटन करने ज्यादा जाते थे, आज के समय ज्यादा जा रहे हैं? पहले कथा भागवत ज्यादा होती थी, आज के समय में ज्यादा हो रही है? आज के समय में ज्यादा हो रही। लेकिन पहला व्यक्ति ज्यादा सुखी था, आज का व्यक्ति ज्यादा सुखी है? यहां पर बिल्कुल शीर्षासन हो गया, उल्टा काम हो गया। आपने समझा अभी कि सुख का मूल धर्म है। पहला व्यक्ति सुखी था तो इसका मतलब पहला व्यक्ति धर्मात्मा था, लेकिन ये सारी चीजें नहीं थी, लेकिन व्यक्ति सुखी था, इसका मतलब ये सारी चीजें तो बढ़ गई और व्यक्ति के जीवन में दुख आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इन चीजों का धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है। यदि इन चीजों का धर्म से कोई भी लेना देना होता, तो इन चीजों के बढ़ने से धरती पर सुख शांति अमन चैन बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आता। पहला व्यक्ति निश्चित रूप से धर्मात्मा था, इसलिए वो व्यक्ति सुखी था। तो धर्म को आप जानना चाहते हैं, तो ऋषि दयानंद जी महाराज ने एक बहुत अच्छी आयुर्देश रत्नमाला नाम की पुस्तक लिखी है, और उस पुस्तक के अंदर ऋषि दयानंद धर्म की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि परमात्मा की आज्ञा का पालन करना धर्म है। धर्म क्या है? धर्म अपने माथे पर लाल पीले तिलक लगाने का नाम धर्म नहीं है, बड़ी बड़ी रुद्राक्ष की मालाएं धारण करने का नाम धर्म नहीं है, बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ाने करके या लाल कपड़े पहनने का नाम धर्म नहीं है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करने का नाम ही धर्म है। ऋषि दयानंद इस बात को कहते हैं, पहला व्यक्ति पाखंडी नहीं था, वो परमात्मा की आज्ञा को फॉलो करता था। हमने देखा है पहला व्यक्ति झूठ बोलने में इतना डरता था वो तो कभी भी झूठ नहीं बोलता था, और इस बात को लोग कहते थे कि भैया हम झूठ नहीं बोलेंगे क्योंकि हम बालक बच्चेदार हैं, अगर हमने झूठ बोल दी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, परिवार बलिष्ठ हो जाएगा। पहले लोग कहते थे झूठ नहीं बोलेंगे, हम बालक बच्चेदार हैं, और आज के लोग कहते हैं हम सत्य कैसे बोले, हम बालक बच्चेदार हैं, सत्य बोलेंगे तो बच्चों को कैसे पालेंगे। ये कितनी विचारधारा में अंतर आ गया, और वैसे व्यक्ति धर्मात्मा बन रहा है, कोई माता का जगराता करा रहा है, कोई साईं की चौकी करा रहा है, कोई मंदिर में जाकर के भंडारा करता है, लेकिन जीवन से सदाचार चला गया। अरे यही तो धर्म है। आपके जीवन में सत्य कितना है, आप न्यायकार कार्य कितने हैं, आपके जीवन में न्याय कितना है, आपके जीवन में संयम कितना है, यही सारी चीज तो धर्म है, और धर्म क्या है। तो आज का समाज धर्म को नहीं जानता। अच्छा एक बात बताओ, पहले समय में वैसे तो कोई किसी से पैसा लेता नहीं था, क्योंकि सब अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करके चलते थे, लोगों की आवश्यकताएं बहुत कम थी, उनकी बहुत आजकल की लग्जरी उनकी आवश्यकता नहीं थी होती थी, लोग थोड़े से उसमें काम चला लिया करते थे। लेकिन फिर भी यदि किसी को आवश्यकता पड़ जाए वक्त पर, तो पैसा देने में लोगों को दिक्कत नहीं होती थी, लोग ऐसे ही पैसा दे दिया करते थे। लेकिन आज कोई पैसा दे सकता है किसी को? नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि व्यक्ति भ्रष्ट हो गया, बेईमान हो गया। पहला व्यक्ति बहुत ईमानदार था, वो किसी का लेकर के देने का भाव रखता था, और आज का इंसान ले लिया तो बस छुट्टी है ना। एक व्यक्ति कह रहा था कि आज के समय में उधार उसी व्यक्ति को देना चाहिए जो पुनर्जन्म पर विश्वास रखता हो, क्योंकि इस जन्म में तो मिलने वाला है, परमात्मा की व्यवस्था पर तुम्हें विश्वास है तो अगले जन्म में परमात्मा चुकता करा दे तो करा दे, वो अपनी इच्छा से देने वाला नहीं, और बन गए धार्मिक रहा। तो ये धर्म नहीं है, ये धर्म के नाम पर सब ढोंग चल रहे हैं। धर्म का मतलब है आपकी आंतरिक पवित्रता। हमारे शास्त्र में एक उदाहरण प्राप्त होता है,
महाभारत का दृष्टांत प्राप्त होता है। कहते हैं कि एक व्यक्ति ने एक जमीन खरीदी और वो किसान अपना हल लेकर के उसमें काम करता है। एक बार अपनी जमीन को वो जोत रहा है, फसल के लिए जमीन को तैयार करता है। कहते हैं उसका हल जो था नीचे किसी चीज में अड़ गया। उसने जब खोद करके देखा तो उसमें घड़ा निकला, पीतल का बड़ा घड़ा, और उस बड़े घड़े के अंदर सोने चांदी के जवाहरात के बहुत बड़े बड़े आभूषण भरे हुए थे, सोना भरा हुआ था। अब ये व्यक्ति ने उस घड़े को खोद करके निकाला तो ये व्यक्ति बड़े असमंजस में पड़ गया कि मैं इसका क्या करूं, मैं तो अपने पास रख नहीं सकता क्योंकि मेरी कमाई का तो ये नहीं है। उसने कुछ समय पहले जिस व्यक्ति से खेत लिया था उस व्यक्ति के पास में वो गया और कहने लगा, भैया आपके खेत में वो माल निकला है, आप उस माल को नहीं लीजिए। वो व्यक्ति कहता, मेरा खेत कहां, मैं तो तुमको दे चुका, अब उसमें माल निकले ना निकले, उसमें पैदावार हो ना हो, वो तुम्हारा अपना कर्म भाग्य है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं नहीं ले सकता उसको। लेकिन ये व्यक्ति कहता, भाई साहब मैंने तो 2 साल पहले तो लिया था और मैंने तो गाड़ा नहीं है, ना मेरे बाप दादा ने इसमें गाड़ा है, ये माल तो आपका ही है, आपको लेना पड़ेगा, मैं ऐसे क्यों रख लूंगा इसको, मैं अपनी मेहनत पर विश्वास करता हूं, मुझे बेईमानी का पैसा नहीं चाहिए। ना ये व्यक्ति रखने के लिए तैयार है ना वो व्यक्ति रखने के लिए तैयार है। वो कहता, भैया मैं कैसे ले लूं, मैं तो आपको दे चुका हूं, अब इसमें जो भी कुछ हो आपका प्रारब्ध है। गए राजा के पास, दोनों ने समस्या रखी राजा के सामने कि महाराज जी हमको खजाना मिला है खेत के अंदर और इनका खेत था, मैंने खरीद लिया लेकिन ये रखने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता जी मैं भी रखने के लिए तैयार नहीं हूं। तो राजा ने कहा क्या करें, तो दोनों ने कहा कि महाराज आप इसको रख लो अपने पास। राजा ने कहा तुमने मुझे ही बेईमान समझ लिया क्या, मैं क्यों रखूंगा इसको, जब तुम दोनों रखने के लिए तैयार नहीं है मैं क्यों उसको रखूं। तो मेरा कहने का भाव यह कि ऐसा आचरण था, अगर किसी का माल कहीं पर पड़ा रह जाए तो उसको टेंशन नहीं होती थी कि मेरा माल पड़ा रह गया मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहां तो इतिहास में विदेशी लोगों ने लिखा है कि पंथागार के अंदर यदि किसी का सामान छूट जाया करता था, सोने के आभूषण भी यदि किसी के छूट गए, एक विदेशी राइटर इस बात को लिखता है कि एक राहगीर जा रहा है और उसमें पेड़ के नीचे कुएं था और धर्मशाला थी, वहां बैठ करके अपना भोजन प्रसाद ग्रहण किया और उसके पास में पोटली के अंदर सोने चांदी के आभूषण भी थे, लेकिन जैसे ही वो आगे अपने प्रस्थान के लिए निकला उस पोटली को भूल गया, पीछे वाला जो पथिक आया उसने देखा कि किसी का माल छूट गया है, उसने उस गठरी के अंदर जो भी सोने चांदी के आभूषण थे सबको पेड़ की टहनियों पर लटका दिया। अब जब सबकी पेड़ की टहनी पर लटका दिया और ये विदेशी राइटर इस बात को लिखता है कि मैं जब वहां से निकल रहा था तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने अब तक ये सुना था कि भारत देश को सोने की चिड़िया कहते, लेकिन मैंने भारत में कोई सोने की चिड़िया उड़ती तो नहीं देखी, लेकिन ये आश्चर्य मैंने जरूर देखा कि भारत के पेड़ पौधों पर भी सोना लग रहा है। तो मैंने किसी भारत के व्यक्ति से पूछा कि महानुभाव क्या भारत की वनस्पति पर फल फूल पैदा नहीं होता, ये भी सोना चांदी देते हैं क्या? तो कहते हैं कि भारत के व्यक्ति ने मुझे बताया कि ऐसा नहीं है, हमारे देश की वनस्पति भी फल फूल ही देती है, लेकिन ये जो आप आभूषण लटके हुए देख रहे हो ना, ये राहगीर कोई गया होगा, उसका माल छूट गया है, पीछे आने वाले व्यक्ति ने उसके सारे आभूषणों को पेड़ पर लटका दिया है, वो व्यक्ति जब भी अपने आभूषणों की खोज में आएगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको साफ अपना सारा का सारा माल मिल जाएगा। अच्छा आज मिल सकता है क्या? आज तो लोग ताला तोड़ करके ले जा रहे हैं, आज तो लोग मंदिरों को नहीं छोड़े लेकिन धर्मात्मा ज्यादा है, पिछले समय से ज्यादा धर्मात्मा बने फिर रहे लोग, इसका मतलब धर्म का स्वरूप हमने गलत समझ लिया है, ये धर्म नहीं है। तो धर्म को अर्थ के, आप धर्म के अर्थ को समझना चाहते हैं तो ऋषि ज्ञान जी महाराज को पढ़िए, वो बड़ी लंबी व्याख्या है, मैं इस पर व्याख्या नहीं देना चाहता, मैं तो आपको एक दूसरे विषय पर आपको लेके जाना चाहता। तो धर्म का मतलब आप समझना चाहते हैं तो धर्म का मतलब है कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी। जिस देश के लोग अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते वो देश डूब जाता है, समाप्त हो जाता है। अगर देश में अध्यापक अपने कर्तव्य का पालन ना करे, सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्य का पालन ना करे, माँ अपने कर्तव्य का पालन ना करे, पिता अपने कर्तव्य का पालन ना करे, तो वो देश कभी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता। आज हमारे देश में स्थिति यही हो रही है, आज हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं लेकिन अपने कर्तव्य का किसी को ध्यान नहीं कि मेरा कर्तव्य क्या है। जब तक देश के लोग ईमानदारी से अपने कर्तव्य के प्रति सजग जागरूक नहीं होंगे तब तक देश कभी उन्नति नहीं करेगा, और इसी का नाम धर्म है। आप धर्मात्मा बनना चाहते तो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी का पालन करो, ईमानदारी के साथ में। आप सरकारी कर्मचारी हैं
तो सरकारी कर्मचारी का मतलब यह नहीं होता कि आपकी इच्छा चलेगी, जब जाना तब जाना है, जब आना है जब आगे, नहीं। जो नियम है उस नियम का पूरी ईमानदारी के साथ में फॉलो कीजिए। जो जिम्मेदारी सरकार आपको दे रही है उस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ में आप निभाइए। आपको किसी तीर्थाटन में जाने की आवश्यकता नहीं। आप पिता हैं तो आपका संतान के प्रति क्या कर्तव्य है, आप अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन कीजिए, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। आप यदि पत्नी है तो आप अपने पति के प्रति, संतान के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, आप अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करेंगे तो देखो संतानों का कितना उत्तम तरीके से निर्माण होगा। तो धर्म का मतलब कर्तव्य। जिस देश के लोग अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं वो देश कभी, चाहे देश हो चाहे समाज हो चाहे परिवार हो, परिवार के लोगों को अपने कर्तव्यों का पता नहीं है। आज माँ को अपने कर्तव्य का पता नहीं है, पिता को अपने कर्तव्य का पता नहीं है, इसलिए तो समाज पतन की तरफ जा रहा है। आज हर व्यक्ति इस बात को लेकर के चिंतित है, कहता है महाराज बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं, आजकल के बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं। बच्चे नहीं बिगड़ रहे, बच्चों हमारे बिगड़ गए, जिनके ऊपर बच्चों के निर्माण की जिम्मेदारी थी उनको पता नहीं कि हम बच्चों का निर्माण कैसे करें। वो मुंह के चलते अपने बच्चों को खुद बिगाड़ रहे हैं, संस्कारों की कोई शिक्षा नहीं बच्चों को दे रहे हैं। क्या माता पिता का कर्तव्य बच्चे को पैदा करना ही है? क्या माता पिता का कर्तव्य केवल बच्चों को स्कूली शिक्षा प्राप्त कराना ही है? ऋषि दयानंद तो यहां तक कहते हैं माता शत्रु पिता वैरी ये नारो ना पाठिता। वो माता पिता अपने बच्चों के दुश्मन है जो माता पिता अपने बच्चों की धर्म को, धर्म की शिक्षा नहीं देते। याद रखना, जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते वो माता पिता अपने बच्चों के दुश्मन है। केवल शिक्षा दिला देना ये आपका कर्तव्य नहीं है, शिक्षा के साथ साथ संस्कार देना कर्तव्य है। लेकिन यदि शिक्षा संस्कार विहीन हो तो वो शिक्षा बच्चे को पतन की तरफ लेकर के जाती है। आज हमारे देश का पतन इसलिए तो हो रहा है कि माता पिता आचार्य ने अपने कर्तव्य को भुला दिया। हमने केवल पाठ्यक्रम पूरा कराना ही स्कूल ने अपना ध्येय समझ लिया। माता पिता ने भी घर में जब बच्चा होमवर्क लेके आता है उसको पूरा कराना अपना कर्तव्य समझ लिया। अरे इससे बड़ी चीज थी संस्कार। ऋषि कहते हैं जो शिक्षा संस्कार विहीन होती है वो शिक्षा कभी मनुष्य जाति की उन्नति का कारण नहीं बन सकती। संस्कार विहीन शिक्षा आपके बच्चे को डॉक्टर तो बना सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो डॉक्टर बनने के बाद किडनी चोर ना निकले। संस्कार विहीन शिक्षा आपके बच्चे को इंजीनियर तो बना सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो इंजीनियर बनने के बाद घटिया सामग्री से पुल का निर्माण करे और वो पुल गिर जाए और पुल के नीचे दब करके ना कितने सारे लोग मर जाए। संस्कार विहीन शिक्षा आपके बच्चे को जज बना सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो न्याय को ना बेचे। संस्कार विहीन शिक्षा आपके बच्चे को साइंटिस्ट बना सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि साइंटिस्ट बनने के बाद वो देश की टेक्नोलॉजी को बाहर ना भेज दे। इसलिए संस्कार बहुत जरूरी है। यही तो माता पिता का कर्तव्य था। आज माता पिता ने अपने कर्तव्य बच्चों के लिए प्रॉपर्टी एकत्रित करना समझ लिया और दोष हम बच्चों को देने के बच्चे बिगड़ गए। बच्चे भी नहीं बिगड़ रहे, बच्चों वाले बिगड़ गए, वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। हमारे देश के राष्ट्रपति होते थे एपीजे अब्दुल कलाम। वो हैदराबाद के अंदर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर गए दीक्षांत समारोह में और उन्होंने अपना भाषण दिया और भाषण देते हुए वो कह रहे थे कि 2025 तक हम अपने देश को विकसित राष्ट्र बना देंगे। राष्ट्रपति महामहिम का भाषण चल रहा था, उस सभागार के अंदर एक बच्चा, बड़ा बुद्धिमान बच्चा बैठा हुआ था, वो खड़ा हो गया और उसने कहा महामहिम मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि 2025 तक हम अपने देश को विकसित राष्ट्र बना देंगे, आप कैसे बना सकते हैं इस देश को विकसित राष्ट्र? यहां तो एक शराब की बोतल में वोट बिक जाता है लोगों का, लोगों को अकल नहीं है। कोई भी सरकारी यदि कर्मचारी बन गया है तो वो अपने घर भरने में लगा हुआ है, उसको अपने छोटा सा कोई इंजीनियर बन जाता है वो कितना गरीब का शोषण करता है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। कहां से देश विकसित हो जाएगा? जहां पर भी चले जाओ वहां भयंकर तरीके से घोटाला मचा हुआ है, हर जगह घोटाले चल रहे हैं, विश्वासघात है, ईमानदारी के रास्ते पर कोई चलना नहीं चाहता, प्रतिभा का सम्मान नहीं होता, आरक्षण के नाम पर प्रतिभाओं का कोई सम्मान नहीं है और मूर्ख लोगों को पदों पर थोप दिया जाता है। ये देश कैसे विकसित बन सकता है? उस बच्चे ने जब प्रश्न किया राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति थोड़ी देर के लिए शांत हो गए और उन्होंने सभागार में कहा कोई है ऐसा प्रोफेसर जो इस बच्चे के प्रश्न का जवाब दे पाए? पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति ने खुद कहा कि अगर तीन लोग अपने जिम्मेदारी को संभाल लें, तीन लोग यदि अपने कर्तव्य का पालन ठीक से करने लग जाएं, तो निश्चित रूप से देश विकसित राष्ट्र बन सकता है, दुनिया का गुरु बन सकता है। राष्ट्रपति महोदय कहते हैं वो तीन लोग कौन है? कहते हैं एक माँ, एक पिता और एक आचार्य। ऋषि दयानंद सत्याग्रह में पहले लिख करके चले गए मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदा।
यदि माता पिता और आचार्य अपने कर्तव्य का ठीक प्रकार से पालन करेंगे तो निश्चित रूप से इस देश की संतान है, देश की संतति सही रास्ते पर चल सकते हैं। लेकिन आज हमने अपने कर्तव्यों को तिसरी दे दिया, आज अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया, हम लोगों ने बच्चों पर हम ध्यान नहीं देना चाह रहे, क्या यही हमारा कर्तव्य है? इसकी मैं जितनी व्याख्या करूं कम हो सकती है, समय कम पड़ेगा, इसलिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। धर्म का मतलब कर्तव्य। मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा, आपको किसी गंगा सागर में डुबकी लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करो। कर्म ही पूजा है, यदि आपका कर्म अच्छा है तो आपको किसी मंदिर में जाकर के कहीं किसी मजार पर जाकर के चादर चढ़ाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं, आप अपने कर्म ही आपकी पूजा है। कर्मों पर ईमानदारी से ध्यान दीजिए, ये काम करने का है, आप सच्चे धर्मात्मा कहला सकते हो। कर्तव्य, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करो। गृहस्थी अपने कर्तव्य का पालन करे, वानप्रस्थी अपने कर्तव्य का पालन करे, डॉक्टर अपने कर्तव्य का पालन करे, पिता अपने कर्तव्य का पालन करे, माँ अपने कर्तव्य का पालन करे, जो भी लोग हैं यदि सब अपने कर्तव्यों में लग जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश महान बन सकता है। दूसरी बात, जिस देश का संस्कृति नष्ट हो जाए उस देश को नष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगता, और आपके बंगाल में तो बहुत ज्यादा तरह से नष्ट ही हो रही है। मैंने देखा पूरे रोड सजे पड़े हैं। 25 तारीख को क्या था जी, बोलो, क्रिसमस का मतलब क्या है? ईसा मसीह का, ईसा मसीह से आपका संबंध क्या है? दुनिया में कोई ऐसा बेवकूफ व्यक्ति होगा कि जिनका उनसे कोई लेना नहीं, जो उनके दुश्मन थे, जिन्होंने सैकड़ों साल तक हम पर राज किया, हमारे चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद मिश्र, सरदार भगत सिंह, 7.5 लाख नौजवानों को फांसी का फंदा देकर के गले में मार दिया, बड़े बड़े नगरों को जला दिया, कितना अत्याचार हम लोगों के ऊपर किया, और हम उनका क्रिसमस डे मना रहे हैं। सोचने वाली बात है, यदि हम स्वयं अपनी संस्कृति का सम्मान नहीं करेंगे तो कौन हमारी संस्कृति बचेगी कैसे? आज हम क्रिश्चियनों को गाली देते हैं, मुसलमानों को कोसते हैं कि ये बहुत जल्दी बढ़ गए, केवल 1450 सालों में धरती पर 58 देश उनके बन गए, 2000 सालों में क्रिश्चियनों के 100 से अधिक देश बन गए धरती पर, हमारा क्या है धरती पर? हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है आज, क्यों नहीं है? मुसलमान क्यों बढ़ा? वो अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का ईमानदारी से पालन करता। उनके बच्चों को देखो, वो 5 बार नमाज अदा करेंगे, जो उनके धर्म ग्रंथों में लिखा उसका पालन करेंगे, वो जकात देंगे, वो अपने धर्म के लिए, वो कभी भी आपकी दीपावली नहीं मना सकते। ये तो हिंदू के दिमाग के अंदर ही कबाड़ा बना पड़ा है, इसके अंदर कोई कट्टरता है ही नहीं, ये खिचड़ी बन गया है, बस सबको मान करके चलता है। सारे धर्म बराबर होते हैं, सारे रास्ते एक तरफ ही जाते हैं। अरे तुमको धर्म का अध्याय भी नहीं पता, धर्म की ABCD नहीं पता, और व्याख्यान देने के लिए खड़े हो जाते हो, सारे धर्म एक जैसे होते? फिर हमारी बुद्धि कहां चली गई? भाई एक व्यक्ति गाय को मां मान करके पूजता है, एक व्यक्ति गाय को रोटी के साथ सब्जी बना करके खा जाता है, क्या सारे धर्म बराबर है? वो भी बराबर है, वो हमारे बराबर हो सकता है क्या? और यदि वो दोनों को बराबर मान रहा है तो उसका मतलब उसके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, उसके बुद्धि है नहीं उसके पास। तो ध्यान देना, दुनिया में वो जाति मिट जाती है जो अपनी संस्कृति से प्यार नहीं करती। लेकिन हिंदू एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर कट्टरता नाम की कोई चीज नहीं, और इसलिए हम दुनिया से समाप्त हो रहे हैं। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, दुनिया के सबसे वैज्ञानिक, सबसे साइंटिफिक संस्कृति हमारी, सबसे महत्तम संस्कृति हमारी है। सारी संस्कृतियां हमारी संस्कृति निश्रित हुई है। हम सबके पूर्वज थे, हम सबके दादा थे, सब कुछ हमारे पास में था, लेकिन हमने सब कुछ आज अपना भुला दिया। हम अपने गौरव को, अपने अतीत को भूल गया। क्रिसमस डे मन रहा है हमको, हमको स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस याद नहीं है, वो मसीहा याद नहीं है। अभी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको वो सीडी दिखाई गई, वीडियो दिखाया गया, कितना बड़ा मसीहा हिंदुत्व का कितना बड़ा काम किया। यदि स्वामी श्रद्धानंद न होते तो इस देश का नक्शा आज कुछ और ही होता। कितना बड़ा काम, वो स्वामी श्रद्धानंद महाराज का बलिदान दिवस याद नहीं है हमको, फतेह सिंह जोरावर सिंह का वो बलिदान दिवस याद नहीं है हमको, महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस याद नहीं है, लेकिन हम क्रिसमस डे मना रहे हैं। हमारा क्रिसमस डे से मतलब क्या? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना? अरे भैया वो ईसाई लोग मनाए तो मनाए, बात समझ में आती है ना? हमारा वो भगवान ना हमारा कोई महापुरुष, हम उसका खुद क्रिसमस डे मना रहे हैं। और आश्चर्य की बात तो यह कि हम अपनी संस्कृति में खुद अपनी जेब के पैसे लगा करके और खुद आग लगा रहे हैं। क्रिसमस डे जिस दिन होता है, ये हिंदू अपने बच्चों को खुद पागल बनाता है और कहता है बेटा आज क्रिसमस डे, उस दिन तो सारे बच्चों को जोकर बना रहे लोग,
लाल लाल टोपे, लाल लाल कपड़े, पूरे जोकर बना देते हैं। और यहां तक कि हमारे धर्मगुरु भी बेवकूफ है, वो भी बहुत सारे धर्मगुरु जो खिचड़ी बन गए, वो भी लाल लाल टोपे पहन करके लोगों को क्रिसमस डे की बधाई दे रहे और उसमें बड़ा बड़प्पन समझ रहे। अरे दुनिया में किसी पादरी को आपने रामनवमी की बधाई देते हुए सुना है क्या? कृष्ण जन्माष्टमी की किसी मुल्ला जी को बधाई देते हुए सुना है क्या? लेकिन कहां हम जा रहे हैं? कट्टरता बिल्कुल नहीं रही हमारी संस्कृति के प्रति, लगाव बिल्कुल भी नहीं रहा हमारा। यदि ये लगाव नहीं रहा तो हम स्वयं समाप्त हो जाएंगे। जिस दिन क्रिसमस डे आता है उस दिन हम खुद अपने बच्चों को पागल बनाते हैं, उनको बहकाते हैं, कहते हैं बेटा आज क्रिसमस डे, आज सेंटा क्लॉज आएंगे और वो आपको गिफ्ट देकर के जाएंगे, क्योंकि बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, वो आज आपको गिफ्ट देकर के जाएंगे। बच्चा जब रात को सो जाता है तो अभिभावक माता पिता स्वयं गिफ्ट खरीद करके बच्चे के पास में रख देते हैं। हाँ, और सुबह जब बच्चा जगता है वो देखता है अरे गिफ्ट रखी हुई है, वो पूछता है गिफ्ट कहां से आई, कहते बेटा कल क्रिसमस डे था, ईसा मसीह आपको देकर के गए क्रिसमस डे पर, गिफ्ट देकर गए, बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं। अच्छा मुझे बताओ ईमानदारी से, उस बच्चे के मन में ईसा मसीह के प्रति श्रद्धा पैदा होगी या नहीं होगी? और इस श्रद्धा को कौन पैदा कर रहा है, ईसा या हम? हम खुद अपने बच्चों को ईसाई बनाना चाह रहे हैं, अपने जेब के पैसे खरीद करके और उस विधर्म के प्रति हमने अपने बच्चों के मन में श्रद्धा पैदा कर दी, झूठी श्रद्धा पैदा कर दी। इस काम को कोई भी सनातनी जन्माष्टमी के दिन नहीं करता, रामनवमी वाले दिन नहीं करता। अरे रामनवमी वाले दिन तुम गिफ्ट अपने बच्चे के पास में रख दोगे और बच्चा पूछे गिफ्ट कहां से, कह देना भगवान श्री राम देकर के गए। अच्छा बोलो आपके मन, बच्चे के मन में भगवान राम और कृष्ण के प्रति श्रद्धा पैदा होगी या नहीं होगी? लेकिन हम ये खुद ये काम क्रिसमस डे के दिन करते हैं, राम जन्मोत्सव पर नहीं करते, राम और कृष्ण जन्माष्टमी पर नहीं करते। हम जैसा बुद्धू व्यक्ति कौन होगा धरती पर जो खुद अपने बच्चों को अपने धर्म से दूर कर रहा है? जीसस का भक्त बनाना चाहता है, रामकृष्ण का कोई भक्त नहीं बनाना चाहता। इसलिए मेरा निवेदन, कट्टर बनो, ये जो बीमारी फैल रही है, ये जो प्रेम और भाईचारे वाली बात समाज में चल रही है, इनमें कुछ भी नहीं रखा, मारे जाओगे, ज्यादा समय आपके पास में नहीं है। आर्य समाज तो जगाने का काम करता है, आपको ज्यादा समय नहीं है और आप तो अच्छी तरह से जान रहे हैं सारी स्थिति, मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। अगर मजबूत रहोगे अपने सिद्धांतों पर, अपने धर्म पर, तो बच सकते हो, लेकिन और दूसरा कोई उपाय नहीं है। अभी आने वाला है नया साल, अपने नया साल को तो भूल गए हम, है ना, उनके नया साल, उनका क्रिसमस डे मना रहे हैं। और ऐसा डेओं की तो ऐसी बात चली हमारे देश में, फरवरी आती है तो फरवरी में 7-8 डे आते हैं, और ऐसे ऐसे विचित्र डे, एक तो आता है हग डे, एक आता है प्रपोज डे, एक आता है रोज डे, एक आता है वैलेंटाइन डे। क्या क्या बीमारी चल रही है समाज में? हमारी ऐसी त्याग और संयम की संस्कृति, लेकिन हमारे बच्चे वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, शर्म नहीं आ रही? और हम अपने बच्चों को अंकुश भी, कोई नियंत्रण नहीं हमारे बच्चों पर, हमारा किस बात का अभिभावक है हम? इसलिए मेरा निवेदन है, यदि ये संस्कृति मिट गई तो आपका अस्तित्व दुनिया से समाप्त हो जाए। अब वैसे दुनिया में अस्तित्व बचा नहीं है आपका, केवल भारत देश बचा है हिंदू लोगों के लिए, और ये भारत देश भी पूरा नहीं है। इस भारत देश में भी ऐसी स्थिति हो गई हिंदू की, बड़ा लचर पचर हो गया बेचारा, कैसे इसकी रक्षा होगी? अभी भी यदि अपना वजूद बचा करके रखना चाहते हो तो अपनी संस्कृति को ईमानदारी के साथ अपने जीवन में स्थान दीजिए, उसको अपनाइए, तब आपकी धर्म और संस्कृति बचेगी। एक तारीख आता है आप जानते हैं, 25 दिसंबर को जीसस का जन्म हुआ, और ईसाई और मुसलमानों में परंपरा है 7 दिन बाद बच्चे का खतना किया जाता है। खतना, खतना समझते हो आप, सुन्नत बोलते हो आप अपनी भाषा में। 1 तारीख को उसकी सुन्नत हो गई, उन्होंने अपना नया साल घोषित कर दिया, हम हैप्पी बर्थडे, हैप्पी ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी चिल्ला रहे हैं, कोई समझने के लिए तैयार नहीं, हमारा क्या मतलब? यानी देखो सबसे वैज्ञानिक संस्कृति हमारी, आपको पता है 15वीं शताब्दी से पहले पूरी दुनिया में हमारे वाला नया साल मनाया जाता था, पूरी दुनिया में, क्योंकि हमारे वाला नया साल वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। अच्छा अभी आप कल से नया साल का जश्न तो शुरू हो चुका है, लेकिन आपका परसों से नया साल शुरू हो जाएगा अंग्रेजी लोगों का। अच्छा ये बताओ आपने नया साल मना लिया, लेकिन नया साल में नया क्या हुआ बताइए? कुछ भी नया है इसमें? यथावत कुछ भी नया नहीं, पूरी प्रकृति भी, आपके यहां तो सर्दी कम है लेकिन हमारे उत्तर भारत में चले जाओ पूरी प्रकृति ठंड में ठिठुर रही है, सबको ठंड लगी है, पशु पक्षी सब परेशान, आदमी परेशान, यातायात ठप, फ्लाइट भी लेट हो रही है, सारे लोग परेशान है, और ये नया साल का जश्न मना रहे हैं। नया साल क्या है इसमें? अभी तो कुछ नया है ही नहीं।
हमारे वाला जो नया साल आता है उसमें पूरा ब्रह्मांड पूरी प्रकृति नहीं होती, उसमें पूरी प्रकृति में उत्साह उमंग होता है। वो नया साल वो वैज्ञानिक है, बसंत ऋतु की बाहर आती है, सब पेड़ों पर नए पत्ते होते हैं, सब पर नए फूल होते हैं, एक उस समय ऐसा वातावरण होता है, बच्चों के स्वास्थ्य के अंदर ताजगी होती है, अरे बच्चों की परीक्षाएं भी हो जाती है, वो भी नए क्लास में पहुंच जाते हैं, और तो और सरकार भी उस समय नया साल मानती है। लेकिन हम अपने वाले नए साल को भूल करके कहां ईसाइयों के पीछे भाग रहे हैं। हम लोग साल में कितने महीने होते हैं जी, बोलो, 12 महीने होते हैं, लेकिन ये कौन सा महीना चल रहा है, दिसंबर, कौन सा महीना है ये, 12वां कहां से हो गया, दिसंबर तो दसम से बना है, नवंबर नवम से बना है, अक्टूबर अष्टम से बना है, ये हमारे संस्कृत के शब्द थे, अभी तो 10 महीने हुए, साल पूरा कहां से हो गया। याद रखिए, ईसाई लोगों को खगोलीय इन पर गणना भी नहीं आती, ये अब तक 10 महीने मानते रहे, केवल 10 महीने मानते थे, इनके कैलेंडर में 10 महीने होते थे, हमारे कैलेंडर में 12 महीने होते थे। लेकिन एक पोप ग्रेगरी के नाम से हुआ, उन्होंने देखा कि हम तो बहुत पिछड़े हुए, अभी तो हमको काल गणना भी नहीं आ रही, तो ये केवल 10 महीने में साल का एंड कर दिया करते थे, 10 महीने होते थे इनके पास, फिर उन्होंने जनवरी फरवरी बाद में शुरुआत में जोड़ दिए, इनका सारा कैलेंडर गड़बड़ा जाया करता था, हमारे पास तो पहले से 12 महीने हुआ करते थे, और इन्होंने इसलिए उसको देखो कितना हमको पागल बनाया, फिर भी इन्होंने समय तो जोड़ लिया, 2 महीने आगे ऐड कर दिए, 10 से 12 पर आ गए, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया ने इन वाले नए साल को स्वीकार नहीं किया। और मैं आपको एक कड़वी बात बता दूं, क्योंकि आपको आपके दिल पर चोट कर सकती है, लेकिन मेरा धर्म है कहना, कॉन्वेंट स्कूलों का जाल आज आपके पूरे कलकत्ता में और पूरे देश में फैल गया। आज आप जानते हैं कॉन्वेंट स्कूल कौन लेकर के आया, पहली बार जब कॉन्वेंट स्कूल आया तो आपके कलकत्ता नगर के अंदर आया था, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को नष्ट करके अंग्रेज लोगों ने, क्योंकि यहीं पर इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यहीं से उन्होंने पूरे देश में अपना जाल फैलाया, तो पहला हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए उन्होंने जो स्कूल पैटर्न लागू किया वो आपके कलकत्ता में लागू किया। और आपको आश्चर्य होगा, लेकिन कोई भी हिंदू उनके स्कूल में, क्योंकि हमारा तो होता गुरुकुल, गुरु का कुल, हम तो गुरुओं का मानने वाले लोग हैं, लेकिन हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए हमारी पैटर्न पर ये ईसा मसीह को मानते हैं, ईसा का कुल बनाया उन्होंने, हमारा गुरु का कुल गुरुकुल, इनका ईसा मसीह का कुल स्कूल बन गया। आज जो स्कूल है ना, स्कूल का मतलब ईसा मसीह का कुल, उन्होंने अपने भगवान के नाम से इसको खोला, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल फ्लॉप हो गए। एक भी व्यक्ति इनके कॉन्वेंट स्कूल में, इनके स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन मुझे दुख है इस बात का, आपके कलकत्ता के राजा होते थे राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय पर अंग्रेजों ने हाथ रखा और कहा कि आप राजा हैं, कि आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो निश्चित रूप से हिंदू अपने बच्चों को हमारे स्कूल में पढ़ाएंगे। राजा राममोहन राय ने स्टेटमेंट दिया कि आप यदि अपने बच्चों को एडवांस बनाना चाहते हैं तो गुरुकुल शिक्षा पैटर्न को खत्म करके स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन दिलाइए। लेकिन राजा राममोहन राय ने भी प्रयास किया, लॉर्ड मैकाले ने प्रयास किया, प्रयास करते करते मर गए, लेकिन फिर भी कभी सफल नहीं हुए। लेकिन उनका एक भाव था कि हमको अपनी संस्कृति को थोपना है। लेकिन आज हमारे सारे गुरुकुल समाप्त, आज हर जगह स्कूल हो गए। इसी प्रकार से इन लोगों ने अपने 12 महीने वाला नया कैलेंडर बना तो किया ग्रेगोरियन के नाम से, ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से नया 12 महीने का कैलेंडर बनाया, लेकिन दुनिया के लोगों ने इनको स्वीकार नहीं किया। फिर इन्होंने एक चाल चली, पूरी दुनिया हमारे वाला नया साल मानती थी, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को पूरी दुनिया नया साल मानती थी। अब इन्होंने सोचा कि भाई बात बन नहीं रही, ये तो लोग इन सनातनी वाले लोगों के कैलेंडर को दुनिया मानती है, हमारे कैलेंडर को कोई नहीं मानता, तो अप्रैल में हमारा नया साल आता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आता है, तो इन लोगों ने, जब हमारे लोग नया साल मनाते थे, इन्होंने 1 जनवरी को नया साल घोषित कर दिया, क्योंकि उस दिन उनका खतना हुआ, इसको उन्होंने नया साल माना। लेकिन इनके खतना दिवस को कोई नया साल नहीं मानता था, सब हमारे को नया साल मांगते थे, तो इन्होंने हमको ये गाली देनी शुरू की, इन्होंने हमको मूर्ख घोषित कर दिया। और अप्रैल फूल हम लोग मनाते हैं, अप्रैल फूल, अप्रैल फूल का मतलब क्या है, जो लोग नया साल अप्रैल में मनाते थे तो कहते थे मूर्ख है, अप्रैल फूल का मतलब मूर्ख दिवस, वो हमको मूर्ख उन्होंने कहना शुरू कर दिया, ये मूर्ख लोग हैं अप्रैल में नया साल मना रहे हैं। लेकिन वास्तव में हम इतने मूर्ख निकले कि हम इनकी बातों में आ गए और हमने अपने अप्रैल वाला नया साल मनाना बंद करके और 1 जनवरी का मनाना शुरू कर दिया। मेरा आप लोगों से निवेदन है,
कि यदि हम भी अपनी संस्कृति को नहीं अपनाएंगे तो आपकी संस्कृति को कौन अपनाएगा बताइए। हाँ, यदि आपकी संस्कृति में कुछ कमियां हैं तो नहीं अपनाना चाहिए, तो हम भी खुद कहते हैं हम रूढ़िवादी व्यक्ति नहीं है, हम केवल परंपराओं की दुहाई आपके बीच में नहीं देते, लेकिन जो वैज्ञानिक चीज है उस चीज को तो हमको अपनाना चाहिए। इसलिए संकल्प ले लो आप लोग कि हम हैप्पी न्यू ईयर की बधाई किसी को ना देंगे ना किसी से लेंगे। बोलो, आपको ये मेरी बात ठीक लगती है नहीं लगती? बोलो, संकल्प लोगे आज से? हाँ, आज से ये संकल्प ले लो कि हम 1 जनवरी वाला जो नया साल ईसाइयों का है उस पर किसी के को ना तो शुभकामना देंगे ना किसी की शुभकामना लेंगे, और हम एक नया प्रचलन समाज में प्रारंभ करेंगे। अपना जब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का दिन आएगा उस दिन हम अपने घरों पर भगवान ध्वज लहराएंगे और यज्ञ करके, और फिर उस दिन हम बहुत हर्षोल्लास के साथ में लोगों को बधाई देंगे और लोगों को बताएंगे कि ये हमारा हिंदू नवसंवत्सर है, ये आर्यों का नवसंवत्सर है। उस दिन से आप मनाना शुरू करेंगे तो आपकी संस्कृति बच जाएगी, नहीं तो ऐसे संस्कृति बचने वाली नहीं है। एक ही बात नहीं है, बहुत कुछ कहने को मेरे पास में। आप लोग जन्मदिन मनाते हैं, जन्मदिन वाले दिन मुर्गी की टट्टी का केक काट करके आप लोग खाते हो, क्या ये हमारी संस्कृति है? जन्मदिन वाले दिन आप लोग मोमबत्ती जलाते हो और फूंक मार के बुझाते हो उसको, ये दीपक बुझाना हमारी संस्कृति नहीं है? एक व्यक्ति ने मोमबत्ती जलाई फिर बुझा दी, मैंने कहा भैया ये जब बुझानी थी तो तूने जलाई क्यों थी? उसके पास कुछ जवाब नहीं, मूर्खतापूर्ण संस्कृति है। अरे हमारे यहां तो दीपक तब बुझता था जब घर में कोई अनिष्ट हो जाता, किसी की मौत हो जाती थी तब दीपक बुझाते थे हम लोग, लेकिन आज जन्मदिन जैसे पावन पर्व पर हम दीपक बुझा रहे, केक काट के खिला रहे हैं। अरे तुम्हारे पास 56 प्रकार की मिठाइयां हैं, कितनी अच्छी अच्छी मिठाई, यूरोप के देशों में कोई मिठाई नहीं होती, उनके पास केवल एक ही मिठाई है, केक। केक सबसे बड़ी मिठाई उनकी होती है, तो उनकी चाहे शादी की वर्षगांठ हो, चाहे बच्चे का जन्मदिन हो, चाहे कुछ भी हो, उनके पास एक ही मिठाई है, केक काट करके वो खाते हैं। अरे तुम्हारा केक से क्या मतलब, तुम्हारे पास कितनी सारी मिठाई है, तुम्हारे कलकत्ता की मिठाई जबरदस्त है, उनको खाओ और जन्मदिन मनाओ, यज्ञ करके जन्मदिन मनाओ। कभी भी केक काटने का संकल्प ले लो, नहीं काटेंगे हम, जन्मदिन मनाएंगे अपनी भारतीय परंपरा के अनुसार, जन्मदिन मनाएंगे, यज्ञ करके जन्मदिन मनाएंगे। आपको भगवान ने सामर्थ्य दिया है, गुरुकुल चलता है, गुरुकुलों में जाओ, इन बेटियों को भोजन कराओ, इनके साथ मिलकर के जन्मदिन मनाओ। अगर भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है गौशालाएं चलते, गौशालाओं में दान दो, गुरुकुलों में दान दो, ये जन्मदिन मनाने का तरीका है। क्या संस्कृति चल गई, हमारे यहां तो जन्मदिन के दिन लोग दान किया करते थे, बच्चों से दान कराते थे, बेटे तुम्हारा जन्मदिन है दान करो, दान करो, पुण्य कमाओ। लेकिन आजकल लेने की संस्कृति चल रही है, वो गिफ्ट लेकर के जा रहे हैं, और बच्चे भी ऐसे हो गए, बोले अंकल आप हमारे लिए गिफ्ट लेकर के नहीं लाए, गिफ्ट लेकर के नहीं आए। अब गरीब आदमी का तो जाना दुश्वार हो गया, बेचारा कैसे जाए, वो गिफ्ट उसके पास है नहीं, कहां से गिफ्ट लेकर के जाए? गलत चलन चल रहा है समाज में, इसको रोकना पड़ेगा। तो जन्मदिन आप नहीं मनाओगे, केक काट करके नहीं मनाओगे, मनाओगे तो यज्ञ करके मनाना। आप यज्ञ करना जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आर्य समाज की तरफ से व्यवस्था है, वहां जाओ पुरोहित जी आपको मिलेंगे, कोई ज्यादा भी दक्षिणा आपको देने की आवश्यकता नहीं है, वो तो आर्य समाज में एक ऐसे मिशनरी लोगों का समूह है, यहाँ तो लोग बिना दक्षिणा के भी काम करते हैं। समाज को बदलने का जज्बा उनके अंदर है, वो चाहते हैं इसके समाज में परिवर्तन आए, इसके लिए वो सब कुछ यहां तक है कि आर्य समाज के लोग आपको घी सामग्री भी फ्री दे देंगे, लेकिन आप फ्री घी सामग्री से यज्ञ कराओगे तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा, इतना तो आपको खर्च करना ही चाहिए, विद्वानों को दक्षिणा देनी चाहिए, लेकिन ये काम करो आपकी संस्कृति बचेगी। अच्छा, आप सबके पास में फोन है, एक संकल्प ले लो आज से, 3 बात मैंने बता दूं, क्रिसमस डे नहीं मनाना, दूसरे लोगों को बताना भैया ये ईसा मसीह का जन्मदिन है, हमारे महापुरुषों का नहीं है, और ये हमारे दुश्मनों का है, जिन लोगों ने हमारे सरदार भगत सिंह को मारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, पता नहीं कितने सारे 7.5 लाख नौजवान इस देश की आजादी के लिए शहादत को प्राप्त हुए, कौन था उनको मारने वाला, ये लोग तो थे। दूसरी बात, 1 जनवरी को किसी को भी नया साल नहीं मनाना, कोई शुभकामना नहीं देनी है। और दूसरी बात, जन्मदिन आपको मनाना है तो यज्ञ करके मनाना है, मोमबत्ती नहीं जलानी, केक नहीं काटना, गुब्बारे नहीं फोड़ने होते, ठीक है, ये भी आप संकल्प ले लीजिए। और चौथी बात, आप सबके पास में फोन है, जब फोन आता है तो आप लोग क्या बोलते हो, हेलो बोलते हो, सभी लोग हेलो बोलते हैं, तो हेलो का मतलब क्या है, जिस व्यक्ति ने फोन बनाया उसकी बीबी का नाम था हेलो, और उसने सबसे पहले फोन किसके पास किया,
हमारे यहां तो माता पिता का सम्मान है, हमारी संस्कृति में गुरुओं का सम्मान है, लेकिन उनके सामने यदि कुछ है तो स्त्री सब कुछ होती है उनके लिए, उनकी संस्कृति ऐसी है। तो उस व्यक्ति ने फोन बनाया तो सबसे पहले फोन किसके पास किया, अपनी हलो के पास में किया। तो जब उसने हलो के पास फोन किया तो वो तो सबसे पहले हलो बोलेगा, हलो कैसे हो, वो तो बोलेगा क्योंकि उसका नाम है हलो। लेकिन हम लोगों ने समझा कि भैया सबसे पहले हलो ही बोला जाता है, हमने उनकी नकल शुरू कर दी, लेकिन ये नहीं सोचा कि हलो का मतलब क्या है, आपका हलो से क्या मतलब, आपके पास में कितने अच्छे शब्द हैं, कौन सा अच्छा शब्द है बताओ। मैंने तो यहां तक देखा है कि जो लोग किसी किसी परंपरा से जुड़ गए, अन्य मतों में चले गए, तो वो हलो ना बोल करके अपने मत वाला जो उनका विशेष नाम है उसको लोग बोलते हैं। बहुत से लोग राधे राधे बोलते हैं कि राधे राधे तो बीमारी है, ये तो गलत है, राधे राधे नहीं बोलना चाहिए, राधे राधे बोलना पाप है, क्योंकि हम अपने कृष्ण को बदनाम करते हैं राधा बोल करके, क्योंकि राधा नाम की स्त्री कोई हुई नहीं है, ये बिल्कुल फेक है। राधा नाम की महिला भगवान कृष्ण के जीवन काल में कोई भी नहीं हुई, ये सत्य बात है। लेकिन विधर्मी लोगों ने हमारे योगेश्वर कृष्ण को बदनाम करने के लिए एक राधा राम नाम की नई कल्पना की, और किसने की, जयदेव हुए जयदेव, जिन्होंने गीत गोविंद लिखा, आपके बंगाल के थे, उनकी उपज है राधे। और भागवत बनाने वाला भी बोबदेव था ना, तो भागवत महर्षि वेदव्यास ने बनाई, ये सब आपकी संस्कृति में कबाड़ा कर दिया, उन्होंने सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। तो आपके पास में सबसे अच्छा शब्द कौन सा, ओम बोल करके आप फोन उठाइए, ओम बोलिए, नमस्ते जी बोल लीजिए, प्रणाम जी बोलो, है ना, और भी कुछ बोलो, लेकिन हेलो को खत्म करो, हेलो से हमारा क्या मतलब। अपने घर में अपने संस्कृति निष्ठ शब्दों का प्रयोग कीजिए, अपने बच्चों को अंग्रेजी जरूर पढ़ाओ लेकिन बच्चों को अंग्रेज मत बनने दो, याद रखिए। आपके घर में जो अपने संबोधन है उन्हीं का प्रयोग करो, घर में ये जो अंकल और आंटी और मामा और ये डैड और ये दादू, पता नहीं क्या क्या चल गया, पहले अच्छे भले शब्द थे, दादाजी नाम था, दादाजी, मामा जी, जीजा जी, फूफा जी, चाचा जी, ऐसा लगता था कितना भारी भरकम शब्द है, और दादाजी आते थे तो फूंक निकल जाती, दादाजी आते, दादाजी। लेकिन अब दादाजी को दादू बना दिया है, मामा को मामू बना दिया है, जीजा जी को जीजू बना दिया है, चाचा जी को चाचू बना दिया। अच्छा चाचा जी कहने में कोई दिक्कत आ रही है क्या, लेकिन कहां जा रहे हैं हम लोग, बस देख करेगी चल रही, कोई सोचने के लिए तैयार नहीं, सब सम्मान ही खत्म हो गया, जी लगना ही बंद हो गया, दादा दादाजी बोलते थे, दादू बोल रहे हैं, जी भी खत्म हो गया, संस्कृति समाप्त हो रही है। इसलिए व्यवहार में अपने शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। आप जितनी भी मेरी माताएं बहने बैठी है, संकल्प ले लो कि हम अपने बच्चों से माँ जी कहलवाएंगे, माता जी कहलवाएंगे। ये मामा मामा ये क्या मतलब होता है, मामा का, ये डैड का क्या मतलब होता है, पापा का क्या मतलब होता है, अरे पिताजी कितना अच्छा शब्द है। इसलिए यदि संस्कृति को बचाना चाहते तो ऐसी केवल ताली बजाने से और सुनकर के बात बनने वाली नहीं, आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाना पड़ेगा। यदि आप अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हो तो निश्चित रूप से संस्कृति बचेगी, और केवल सुनकर के चले जाओ महाराज जी ने बहुत अच्छा बोला और अपनाया कुछ नहीं जीवन में, तो कुछ होने वाला नहीं। मैं तो कहता हूं घबराने की आवश्यकता नहीं, यदि आप अपने आप में परिवर्तन कर सकते हैं तो हम दुनिया के इतिहास को बदलने की ताकत रखते हैं अपने अंदर। गंगा की कसम, यमुना की कसम, ये लोग चाहे कितने गजवाई हिंद की तैयारियां कर लें, चाहे कितने सर तन से जुदा कर दें, कोई खतरे वाली बात नहीं है। यदि आप लोग जागरूक सतर्क और सावधान हो जाएं, हम तो कहते हैं गंगा की कसम यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। अरे तू खुद तो बदल, मेरे यार बदल, फिर देख जमाना बदलेगा। हम खुद बदलने के लिए तैयार नहीं होते, इसलिए संकल्प ले लो। अरे इतना तो करोगे या नहीं करोगे बोलो, आज से हेलो की विदाई, जब भी फोन आए तो क्या बोलना, ओ ओम कह करके बोलना आपको, ठीक है। और यदि भूल से हेलो निकल जाए, क्योंकि अभी तो निकलेगी, वो संस्कार पड़े हुए हैं, आचार्य जी संस्कारों की बात कर रहे, तो एक बार प्रायश्चित के रूप में गायत्री का पाठ करना बुद्धि की शुद्धि के लिए, और जैसे ही आपसे हेलो निकल जाए तो एकदम याद आ जाएगा, और आप एक बार गायत्री का उच्च स्वर से पाठ करना। दूसरा व्यक्ति पूछेगा भैया क्या हो गया, तुझे क्या बोल रहा है मंत्र, क्या बोल रहे, मैंने तो बात करने के लिए फोन लगाया, कहना कि मेरे से गलती हो गई, मेरे से पाप हो गया, मैंने हेलो बोल दिया, मुझे हेलो नहीं बोलना है। वो पूछेगा भैया ये हेलो में ऐसी कौन सी बड़ी बीमारी है, ऐसा कौन सा आपने गलत काम कर दिया हेलो बोल के, उसको बताना कि हेलो ठीक नहीं है, हेलो हमारी संस्कृति नहीं है, हेलो तो गलत है, उसकी पत्नी का नाम था, हमारा उसकी पत्नी से क्या मतलब, हम तो ओम बोलेंगे, हम नमस्ते जी बोलेंगे। तो दूसरा व्यक्ति भी आपसे प्रेरणा लेगा, आप प्रेरणा देने वाले बनो, अच्छे रास्ते पर चलो, धर्म बचेगा, संस्कृति बचेगी।
कितने संकल्प मैंने दिलवा दिया आज आपको याद है? कौन कौन से? पहला, 1 जनवरी को नया साल नहीं मनाएंगे। आप जानते हैं हमारा जो नया साल है, हमारे भगवान हम उसी को मानते हैं नए साल को। महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना उसी दिन की, भगवान महावीर ने जैन धर्म की स्थापना उसी दिन की, और हमारे जो है ना हेडगेवार जी उनका जन्मदिन उसी दिन, आरएसएस की स्थापना शायद उसी दिन, मुझे इसमें डाउट है, हाँ उसी दिन हुई। तो जो हमारे महापुरुष होते थे नए साल वाले दिन नए काम की शुरुआत किया करते थे, तो हमारे सारे महापुरुषों ने उसी को नया साल माना है, और वो वास्तव में है भी नया साल, सब कुछ नया होता है। तो हम 1 जनवरी को नया साल नहीं मनाएंगे, बल्कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाएंगे, और पूरे उत्साह के साथ में मनाएंगे, नहीं तो धीरे धीरे करके आप वाले नए साल को लोग भूल ही जाएंगे। ठीक है, दूसरा संकल्प क्या था बोलो? हाँ, वो क्रिसमस डे तो आप लोग खैर नहीं मनाते, लेकिन नया साल मना ले तुम, ये समस्या है। दूसरी बात, जन्मदिन आपको केक काट के नहीं मनाना है, मोमबत्ती बुझा करके नहीं मनाना है, यज्ञ करके जन्मदिन आपको मनाना है। उस दिन गुरुकुलों में दान दीजिए, गौशाला में दान दीजिए। तीसरी बात, होली जी क्या बोला है, भूल गए? हाँ, फोन आए तो हेलो किसी को नहीं बोलना, ओम बोलना है, ओम कहकर के आप फोन उठाइएगा। और चौथी बात, अपने घर में अपने जो सम्मानजनक संबोधन है उनको स्थान दीजिए, यानी डैड ममा ये सब कुछ बंद कराओ, इनका कोई मतलब नहीं है। अपने बच्चों को भारतीय संस्कार दीजिए। अब मैं थोड़ी सी बात इतिहास की कर देता हूं, क्योंकि समय बहुत तेजी से दौड़ गया, 10 मिनट मेरे पास में बचे। देखिए, इतिहास जानबूझ करके नष्ट किया गया है, और किस लिए? जो जाति अपने इतिहास को भूल जाती है वो जाति दुनिया से नष्ट हो जाती है, क्योंकि इतिहास समाज का दर्पण होता है, उस इतिहास को देखकर के हम लोग सीखते हैं, अपने महापुरुषों से प्रेरणा लेते हैं। लेकिन हमको नष्ट करने के लिए आपका इतिहास आपके दुश्मनों के द्वारा नष्ट किया गया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि हमारे देश में हमारे दुश्मनों का लिखा हुआ इतिहास हमको बताया जाता है। एक विदेशी राइटर इस बात को लिखता है, कहता है कि भारत एक ऐसे लोगों का देश है जहां पर भारत के लोगों के लिखे इतिहास को प्रमाणिक नहीं मानते, नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि विदेशी लोगों का लिखा इतिहास पढ़ाया जाता है। न केवल विदेशी लोगों का इतिहास पढ़ाया जाता है, बल्कि उन लोगों का लिखा इतिहास पढ़ाया जाता है जो लोग इनके दुश्मन थे, जिन्होंने इन पर शासन किया, जिन्होंने इनको मारा, जिन्होंने इनको गुलाम बना करके रखा, उन लोगों का लिखा इतिहास पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, जो हमारे दुश्मन थे, जो हमारे हमको मारना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे, वो हमारे शत्रु, क्या हमारा सही इतिहास बताएंगे हमको? संभव ही नहीं। याद रखना, जब भी कोई आक्रांता किसी देश को गुलाम बनाता है तो सबसे पहले दो काम करता है, सबसे पहले उस देश की पहचान को मिटाता है, और दूसरा काम उसकी पहचान हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए इसलिए उसके देश के इतिहास को मिटा देता है। आप देखिए, जितने भी आक्रांता इस देश में आए, सबने आपकी लाइब्रेरियों को जलाया, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, उदयपुर, तो पूरी बड़े बड़े विश्वविद्यालय, यहां बड़ी बड़ी जो लाइब्रेरियां थी सब जला दिया, हमारा सारा गौरव खत्म कर दिया उन लोगों ने। क्यों? क्योंकि इतिहास से हमको प्रेरणा मिलती है, हमारे इतिहास से समाप्त कर दिया, और हमको नया नाम दे दिया। क्या नाम दिया? हिंदू। इस देश का नाम आर्यावर्त था, हम लोगों का नाम आर्य था, लेकिन यवन आक्रांताएं, उन्होंने हमको नया नाम दे दिया, हिंदू और हिंदुस्तान, और इतिहास सारा समाप्त कर दिया, सारी लाइब्रेरियों को फूंक दिया, मनगढ़ंत इतिहास आपके बीच में रखा गया, मनगढ़ंत झूठी कहानियां, पूरी तरह से झूठी कहानियां। इतिहास के नाम पर जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है वो ज्यादातर फेक है, उसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है, बेकार की बात है सब। और जब अंग्रेज लोग आए इस देश में, उन्होंने भी यही काम किया, फिर पहचान मिटाई, उन्होंने हिंदू से हमको इंडियन नाम दिया और देश का नाम इंडिया कर दिया। और फिर उन्होंने लॉर्ड मैकाले क्या लिखता अपने पिता के लिए, कहता मैं भारत देश में एक ऐसा शिक्षा पैटर्न लागू करने वाला हूं जिस शिक्षा पैटर्न में पढ़ करके बाहर से देखने में तो व्यक्ति भारतीय प्रतीत होगा, लेकिन अंदर से पूरी तरह से बदल जाएगा, उसको अपने महापुरुषों के प्रति, अपने देश के प्रति कोई लगाव नहीं रहेगा, अपने धर्म संस्कृति के प्रति कोई लगाव नहीं रहेगा, क्योंकि मैं भारत देश के इतिहास में भारतीयता को नहीं पढ़ाऊंगा, सब कुछ विदेशी लोगों को पढ़ाऊंगा, जिससे भारत के लोग इस बात को समझने लग जाएं कि जो विदेशी है वो अच्छा है। यदि हमारे देश में कोई ऋषि महर्षि पैदा हुए होते, हमारे देश में कोई साइंटिस्ट पैदा हुआ होता, तो हमारे देश के इतिहास में उसका नाम होना चाहिए था, लेकिन हमारे देश के इतिहास में सब कुछ उन विधर्मी लोगों का नाम है, उन आक्रांता लोगों का नाम है जिन लोगों ने हम पर शासन किया। अकबर द ग्रेट हमको पढ़ाया जाता है, तैमूरलंग महान, सिकंदर महान हमको बताया जाता है, लेकिन इस देश में कितने कितने महान लोग हुए,
उन लोगों का नाम हमारे बच्चे नहीं जानते। सिकंदर कहां से मान हो गया? जिस व्यक्ति ने मुर्दों को भी लूट लिया था, कब्रों को खुदवा करके वहां से भी पैसा उसने अपनी तिजोरी में रख लिया। अकबर महान, अकबर ने कौन सा महत्ता का काम किया बताओ? एक भी महत्ता का कोई काम गिरा दो। मीना बाजार लगता था किन के लिए? मीना बाजार में किसका प्रवेश था? केवल महिलाओं का। मीना बाजार केवल महिलाओं के लिए लगता था, और मीना बाजार किस अपने कुकर्मों के लिए लगाया करता था, क्योंकि महिलाएं वहां जाती थी कंप्लीट, जो भी महिला सुंदर होती थी उसको उठा करके अपने हरम के अंदर रख दिया करते थे। महान लोग, इनको महान कहते हैं ना, इनको, इन महान लोगों की कारनामे बता दूं मैं आपको। किसने बंद कराया मीना बाजार? नाम पता है आपको? वो वीर छत्राणी राजस्थान की, जिसका नाम था किरणमयी। महाराणा प्रताप की भतीजी थी किरणमयी, और वो बहुत सुंदर नवयुवती थी। वो भी मीना बाजार में गई तो उसकी गिद्ध दृष्टि उस पर पड़ी और इसने उसको बुलवा लिया। वो आ गई और जब उसके साथ में बदतमीजी करने की सोची, वो क्षत्रानी थी, उसके शरीर के अंदर ताकत थी, अपने कटार निकालकर उसकी छाती पर बैठ गई। ये दुष्ट पैरों में गिड़गिड़ाने लगा, कहता मुझे माफ कर दे, मेरे से गलती होगी, लेकिन हम क्षत्रियों की कुछ कमी रह गई, ये अति उदारता हमारे विनाश का कारण बनी, उसको उसी समय ठिकाने लगा देना चाहिए था, लेकिन ये उदार बन गई। इसने कहा कि तू मुझको अपना भाई, तू अपनी बहन मुझको मान, तब मैं तुझे क्षमादान कर सकती हूँ। ये गिड़गिड़ाने लगा, बोले बहन मैं तुझे बहन मानता हूँ, तेरे पैर छूता हूँ। और इसने उस दिन वचन ले लिया कि आज के बाद मीना बाजार नहीं लगेगा। तो मीना बाजार तो किरण में ही बंद करा गई, लेकिन इस पापी का अंत नहीं किया उसने, कर देती तो बहुत अच्छा हो। अच्छा एक बात बताओ, मीना बाजार केवल महिलाओं के लिए, अकबर कौन था, महिला या पुरुष? तो ये क्यों मरने के लिए जाता था क्या वहां? मानता इसलिए जाता था, मान लोगों के यही काम है क्या? अब यहां हमारी माताएं बहने बैठी, इनके लिए स्थान है, स्थान निर्धारित कर दिया गया, और कोई माताओं के बीच में घुस के आदमी बैठ जाए तो मान दोगे आप उसको? ये मानता का कोई पैमाना है क्या? एक भी मानता का काम नहीं, लेकिन उन पापी लोगों को, लुटेरे लोगों को महान बताया जा रहा है। महान यदि आप जानना चाहते हो तो किसको जानो? छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप, एक ऐसा शूरवीर हुआ जिसने अपने जीवन में 80 युद्ध लड़े थे, 80, और एक भी युद्ध जिसने नहीं हारा। जानते हो क्या नाम था उसका? राणा सांगा। राणा सांगा कौन थे? महाराणा प्रताप के दादा थे। एक ऐसा वीर योद्धा जिसको, जिसने दुश्मन को 16 बार क्षमा कर दिया। क्या नाम था उसका? पृथ्वीराज चौहान। हालांकि गलत है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए, दुश्मन को क्षमा नहीं करना चाहिए, उसका परिणाम हमको भोगना पड़ गया, देश गुलाम बन गया, अंतिम हिंदू सम्राट हुए पृथ्वीराज चौहान। और वो उन्होंने एक बार भी माफ नहीं किया, 16 बार माफ करते रहे। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में 80,000 की सेना थी अकबर की, महाराणा प्रताप के पास केवल 25,000 की सेना। सोचिए आप, कहां 80,000 की सेना, कहां 25,000 की सेना, कौन हिम्मत कर सकता है इतनी, कितनी बड़ी समुदाय के साथ में युद्ध करना है। लेकिन वो महाराणा प्रताप थे, वो शूरवीर लोग थे, घबराए नहीं, और शाम होते होते राजा मुड़ी की तरह काट दिया उनको, विधर्मी लोगों। अब तक झूठ बात थी कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर जीते थे, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब पुरातत्व विभाग ने शिलाओं को हटा दिया है और वहां लिख दिया कि हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की विजय हुई थी, अकबर ने जीता था, झूठ बात है, क्योंकि सही इतिहास तो उनको बताया नहीं गया, सब झूठ पढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन अब कुछ इस पर काम होना शुरू हो गया है। अब जो आक्रांता आए इस देश में, उनको आक्रांता ही बताया जाएगा, उनको लुटेरा ही बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, अब उनको महान नहीं बताया जाएगा। ये काम सरकार अच्छा करेगी। और भारत के जो ऋषि महर्षि थे, याद रखना, ऋषि का मतलब रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक लोग, सब कुछ हमारे ऋषि लोगों ने दुनिया को दिया। अरे जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने, दुनिया को पहले सिखलाई, देता ना दशमलव भारत तो, यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती से चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहां पहले पाई, पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। लेकिन आज हम दूसरों के पीछे चल रहे हैं, अपने गौरव को, अपने इतिहास को भूल चुके हैं। इसलिए मेरा निवेदन, अपने धर्म अपनी संस्कृति से प्रेम करो,
गर्व करो हम सनातन धर्मी है, गर्व करो हमारे इतिहास में हमारे पूर्वज इतने प्रतापी थे, इतने प्रतापी थे। अरे राणा प्रताप को स्मरण करो आप, बहलोल खान जो अकबर का सेनापति था, महाराणा प्रताप ने एक तलवार के वार से बहलोल खान समेत उसके घोड़े को काट दिया था। ये महान लोग थे, ये बलशाली लोग थे, कितनी ताकत इनके अंदर थी, लेकिन देश के इतिहास में इनका नाम नहीं है। ये सब हमारे साथ में षड्यंत्र हुआ है, लेकिन इससे बड़ा षड्यंत्र का पर्दाफाश आपके सामने कर रहा हूं। इतिहास में पाठ्यक्रमों में जो बात पढ़ाई जा रही है वो गलत है। क्यों गलत है बता दूं आपको, उसका कारण क्या है। उसका कारण इस देश का पहला प्रधानमंत्री कौन हुआ, नेहरू। वो हमारे देश के लिए अभिशाप था, ये गांधी और नेहरू ये दोनों देश के लिए अभिशाप साबित हुए। और ये व्यक्ति ऐसा था जो कहता था मैं हिंदुत्व से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और इस व्यक्ति ने लगातार 5 शिक्षा मंत्री हुई उनके हाथ में शिक्षा की कमान दे दी 5 लोगों। अच्छा बताओ प्रधानमंत्री भी ऐसा और शिक्षा मंत्री भी ऐसे, वो आपका सही इतिहास आपको बताएंगे क्या? सब कुछ गलत है, सब कुछ गलत लिखा है। लेकिन इससे बड़ा घपला हमारे धर्म ग्रंथों में हुआ, याद रखना। आपके सारे धर्म ग्रंथों को टारगेट किया गया, उनमें बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट कर दी गई। किस लिए? इसलिए कि आने वाले समय में हिंदू लोगों के बच्चे अपने महापुरुषों से दूर हो जाए, अपने धर्म के प्रति इनके मन में कोई आस्था ना रहे। बेकार की बातें, ऊल जुलूल बातें, बेबुद्धि की बातें, मूर्खतापूर्ण बातें, अश्लीलतापूर्ण बातें, गंदी गंदी बातें आपके धर्म ग्रंथों में लिखी मिलेंगी आपको। क्या धर्म ग्रंथों का यही काम है? कितनी गंदी गंदी कहानियां है, कितनी गंदी गंदी कहानियां है, पति पत्नी भी एकांत में बैठ करके पढ़ नहीं सकते। आप लोग राधे राधे बोल रहे हो, जानते हो ब्रह्म विवर्त पुराण में क्या लिखा है? जब राधा और कृष्ण का समागम हुआ, वो दुष्ट वो नीच सरमाया नहीं लिखने में, और हम राधे राधे तो बोल रहे हैं लेकिन कितना गंदा संबंध लिखा हुआ है। 24 घंटे तक राधा जी बेहोश हो गए। ये काम है भगवान कृष्ण के। आर्य समाज कहता है कृष्ण योगी थे, लेकिन लोग कहते हैं तो आर्य समाज के लोग कृष्ण को नहीं मानते, हम उनको छनिया बना रहे हैं, हम उनको चोर बता रहे हैं। आजकल तो गीत चल रहा है शर्म नहीं आ रही लोगों को, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगाती ना मेरी बहनें, शादी वादी होती तो मेहंदी लगाती है। देखो कोई भी दिमाग से काम नहीं ले रहा है। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, और मेहंदी लगाकर मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भगवान कृष्ण हमारे दादा परदादा, उसकी पोती उसकी दुल्हन बनना चाह रही है। कोई दिमाग कहां चला गया, कोई सोचने के लिए तैयार? अरे कोई अपने दादा के नाम की मेहंदी लगाएगी क्या? मेहंदी अपने पति के नाम की लगाई जाती है, लेकिन इतने बेवकूफ नगरे लोग कोई सोच नहीं रहा है। कहां कहां आजकल तो बुद्धि का दीवारा निकल गया, लोग भगवानों के साथ शादी कर गए लड़कियां। वो कृष्ण जी के साथ मैंने तो लड्डू गोपाल के साथ शादी कर ली, क्या बेवकूफी चली इस समय? कोई सोचने के लिए तैयार नहीं। कितनी गंदगी बुद्धि में छा गई, धर्म ग्रंथों में सब कुछ कबाड़ा कर दिया। इसलिए आप यदि धर्म के सही स्वरूप को जानना चाहते हैं तो सत्यार्थ का जरूर पढ़ो, जरूर पढ़ लेना। कृष्ण क्या थे, राम क्या थे, हमारे भगवान शंकर गणेश क्या थे, अन्य महापुरुष क्या थे, इस देश का गौरवशाली अतीत क्या है, ये आपको मिलेगा तो केवल आर्य समाज के प्लेटफॉर्म में मिलेगा, और कहीं मिलने वाला नहीं है। कोई भागवत आचार्य आपको इन बातों को बताने वाला नहीं है, कहीं राम कथा में आपको ये बात सुनने को नहीं मिलेगी, ना आपको पाठ्यक्रम में मिलेंगी। ये बात मिलेंगी तो केवल आर्य समाज के मंच पर मिलेंगी। ऋषि दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है। इसलिए इस देश की सही संस्कृति को समझना चाहते हो, इतिहास को समझना चाहते हो, आपके पास केवल एक आर्य समाज का प्लेटफॉर्म है, इससे जुड़िए प्लेटफॉर्म से। मेरा एक धर्मयुद्ध के नाम से यूट्यूब चैनल चलता है, धर्मयुद्ध के नाम से, आप उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और उसमें मैंने डंके की चोट पर लोगों को चैलेंज दिया है, जो भी धर्म के नाम पर आडंबर चल रहे हैं, बड़े बड़े धर्म लोगों को चैलेंज दिया, आओ शास्त्रार्थ करो, खुला चैलेंज आपके लिए। और उस पर मैं ज्यादातर राष्ट्र धर्म पर बोलता हूं, हिंदू संस्कृति पर बोलता हूं, आप उसको जरूर सुनिएगा, आपको वहां से बहुत जानकारी मिलेगी। इतना कहकर के वाणी को विराम, आप सबने बात को बहुत ध्यान से सुना। ओम शांति। शक्ति जीवन की बड़ी ही व्यवहारिक बातें हम लोग सुन रहे थे, और दूर नहीं रहा जब